हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी भारद्वाज इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या किया है? एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर चुके हैं हम। आई होप आपने 5.1 खुद भी प्रैक्टिस की है, और अगर आपको उस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके, अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1 का मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि अब तक हमने क्या किया है, क्विक रिवीजन लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, देन उसके बाद हमने ए और डी के बारे में बात की थी, देन हमें एक सीरीज दी हुई थी 5.1 में, हमने उस सीरीज को चेक किया कि क्या वो एपी है या नहीं है, और अगर वो एपी सीरीज है तो उसकी हमने फर्दर फोर टर्म्स को फाइंड आउट किया था। आपकी फिफ्थ चैप्टर की 5.1 में सिर्फ इतना ही हुआ है। आज हम करते हैं 5.2, बट अगर स्टूडेंट्स आपने 5.1 बिल्कुल भी अभी नहीं किया है तो पहले आप मेरी प्रीवियस वाली जो वीडियोस है उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो गई तब तक आपको 5.2 बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज पे डिपेंड है। ओके, देन एक्सरसाइज 5.2 में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला है यहाँ पे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या होता है यहाँ पे कि जैसे आपको एक सीरीज दे रखी है 2, 5, 8, 11, 14, राइट, और आपको आगे जाके वो कहता है कि आगे जाके आपको ये कहता है कि मुझे 100 टर्म फाइंड आउट करके दीजिए, राइट। अगर आपको ऐसे दे बोले कि 6 टर्म बताइए, तो 6 टर्म तो फाइंड आप बहुत आराम से कर सकते हो, जो A5 निकाल दोगे और उसमें D को ऐड कर दोगे। सिंपली आप D को क्या करो, ऐड करते रहो, D क्या है यहाँ पे 3 हो जाएगा, इस टर्म में 3 को ऐड कर दो, आपकी A6 फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे तो 100 टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा अगर आप 100 तक आप D को ऐड करते रहोगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आपका फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए क्या था आपकी फर्स्ट, हमने पहले ये फाइंड आउट कर चुके हैं, डी क्या है आपकी कॉमन डिफरेंस, ये भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, राइट। अब आपको जो यहाँ पे एन है और ए है, ये आपके लिए नई टर्म्स है, इनका क्या मीनिंग है, जो एन है, एन का मतलब है कि जो भी आपको टर्म फाइंड आउट करनी है ना, जैसे 100 नंबर के टर्म को फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है एन की, एन का मतलब है कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है आपकी 100। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे 105 नंबर वाले टर्म को फाइंड आउट करना था तो एन की वैल्यू क्या हो जाती 105, राइट। नेक्स्ट इज ए एन, ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब है यहाँ पे ए 100, मतलब जो ए 100 100 नंबर पे जो टर्म हो गई ना उसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब जैसे A1 जो फर्स्ट नंबर पे जो वैल्यू है वो क्या है आपकी A1, A2 मतलब जो सेकंड नंबर पे जो भी वैल्यू है वो आपकी क्या है A2, डेट इज 5, तो A2 की वैल्यू यहाँ पे 5 है। A3 मतलब जो थर्ड नंबर पे जो भी वैल्यू है वो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो आप यहाँ से भी कह सकते हो जैसे A2 है तो ये तो आपका यहाँ पे n है और ये आपकी an की वैल्यू है, कि थर्ड सेकंड नंबर पे जो आपकी वैल्यू है a2 वो क्या आएगी आपकी 5। आई होप आपको n और an में डिफरेंस समझ आ गया है। ओके, तो ए एन है जो आपकी वैल्यू आएगी 100 नंबर पे सॉल्व करने के बाद, और एन है कि आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, हमें 100 नंबर वाली टर्म फाइंड आउट करनी है ना, तो एन की वैल्यू क्या है 100। अब आप
सिंपली फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज को निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे? टू। नेक्स्ट इज डी। डी क्या है आपका यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस 5 - 2, दैट इज 3। ओके, जो एन है, एन मतलब कौन से नंबर वाली टर्म निकालनी है? हमें 100 नंबर की टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 100। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए एन, मतलब जो 100 नंबर के टर्म होगी ना, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या होने वाली है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ए एन। ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जस्ट डायरेक्टली इसको क्या है, पुट कर दीजिए। एन की जगह क्या कर दीजिए आप? 100। तो ए 100 इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, प्लस एन माइनस 1, दैट इज 100 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3, राइट, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड मास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू बॉन्ड मास आप किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो? सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। ओके, हम इसी रूल को यहाँ पे यूज करेंगे। 2 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 100 माइनस 1, दैट इज 99, मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 297। ओके, और दोनों का एडिशन करने पे क्या आएगा? 299। तो आपके जो 100 नंबर पे जो भी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू क्या है? 299। ए 100 इज इक्वल टू 299। ये तो हमने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला लिया था, सॉरी, हमने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया था। अब हम आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 निकालिए। यस, 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिलअप टाइप में दे रखा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको क्या दे रखा है? ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए एन। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? -18। डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एम की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 10। और ए एन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 0, राइट। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, आप मेरे साथ बोलिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज, जो आप इसके कोरस्पोंडेंस वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। ए एन क्या है आपका बेटा? 0। ए की वैल्यू क्या है? -18। प्लस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 माइनस 1। और डी की वैल्यू क्या है आपकी, वो हमें फाइंड आउट करनी है, हम इसको डी ही ले लेते हैं। ओके, अब आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9 डी। ओके, ये यहाँ पे वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। जब ये इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आपको पता होगा इक्वल के अगर हम कोई वैल्यू को लेफ्ट टू राइट लेते हैं या राइट टू लेफ्ट लेते हैं, तो वो अपना साइन को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। अगर वो वैल्यू प्लस की है तो वो वैल्यू चेंज होकर माइनस की हो जाएगी, और अगर वैल्यू माइनस की है तो वो इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ओके, तो 18 इज इक्वल टू 9d, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? डिवाइड पे आके डिवाइड होके d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आपकी d की वैल्यू क्या आ गई? 2, राइट।
थर्ड क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, थर्ड पार्ट में आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपको ये इसमें क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। ओके, एक फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसी का ही फोर्थ पार्ट। आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है, -18.9। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.5। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ए एन आपको क्या दे रखा है, 3.6, राइट। यस, हाँ जी, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ओके, आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करो। ओके, आपकी भी प्रैक्टिस होगी तो आपको इजी लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल जाएंगे। ओके, ए एन की वैल्यू क्या है, 3.6। ए की वैल्यू क्या है, -18.9। एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू क्या है, 2.5, राइट। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे ये माइनस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अब इसको सॉल्व करने का नेक्स्ट क्या है, आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, इनको एडिशन कीजिए पहले, 22.5, ओके, इज इक्वल टू 2.5n माइनस 2.5। अब यहाँ पे ये क्या है, माइनस का है, तो जब आपका ये यहाँ पे इक्वल के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 22.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 एन, राइट। अब आप क्या कीजिएगा, एडिशन कर लीजिए, 0.25 इज इक्वल टू 2.5। चाहे आप क्या कीजिए, पॉइंट हटा लीजिए तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, अब आप पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इस पॉइंट को हटा भी सकते हो। अब यहाँ पे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको क्या कीजिए, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 25 इंटू एन। ओके, इसके बाद मैं आपको इधर करवा देती हूँ, 25 लास्ट हमने क्या लिखा है, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय एन। ओके, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे डिवाइड पे ले आइए और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एन रह जाएगा, 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, मैं इंक फिल कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5.2 का फिफ्थ पार्ट। 5.2 के फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 3.5, बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0, एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 105, और आपको क्या निकालना है, ए एन की वैल्यू निकालनी है। सिंपली आप इस फॉर्मूला में पुट करके ए एन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, आपको ए की, डी की और एन की वैल्यू
गिवन है, ओके, देन आई थिंक आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। वैसे ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बट इनको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एमसीक्यू दे रखा हो बट एग्जाम में आपके एज इट इज क्वेश्चन ही आ जाए। क्या कह रखा है, 30th टर्म बताइए, आपकी सीरीज क्या है, 10-7-4। 10-7-4 में आपको कौन से 30 नंबर वाली 30th टर्म निकालनी है, मतलब आपको 8-30 निकालनी है, ओके। 8-30 में क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 10, डी की वैल्यू क्या आएगी, 7 में से 10 को माइनस कर दीजिए, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस, होता क्या है हमेशा माइनस ही, कोसाइन जो वैल्यू बड़ी होगी वो वाली लग जाएगी, तो बड़ी क्या 10, 10 के आगे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। तो ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू क्या है -3, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 30, एन की वैल्यू क्या होगी आपकी 30, तो आपको ए 30 निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर देना, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th टर्म ऑफ द, इसी का सेकंड पार्ट है, आपको सीरीज क्या दे रखी है, -3 -1/2 बी की और 2, राइट, और आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म, ओके। आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको इसमें 11th टर्म को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए की वैल्यू फाइंड कीजिएगा, ए की वैल्यू आपकी स्टूडेंट्स क्या होगी -3, ओके। बी की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले टर्म में माइनस कीजिए -3। आप प्लीज ये मिस्टेक मत करना कि यहाँ पे माइनस मत लगाओ या यहाँ पे एक बार ही सिंगल टाइम माइनस लगाओ, ये चीजें बहुत ही मैटर करती है, ठीक है, इससे आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो प्लीज जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर कीजिए तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस, राइट। अब आप इसका एलसीएम कीजिए, एलसीएम क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस 2 3 6, यहाँ पे क्या आएगा 5/2, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, ओके। अब आपको यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 11, एन की वैल्यू क्या निकाल दे रखी है 11, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए 11, राइट, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस एन माइनस वन, मतलब 11 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 5/2। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, राइट, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 5, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये सॉल्व होके क्या आएगा, -3 प्लस 5/5 = 25, और 25 एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, तो जब एक वैल्यू प्लस की हो एक वैल्यू माइनस की हो तो होता क्या है, माइनस और साइन जो बड़ी होती है वैल्यू, तो 25 में से 3 गया 22, प्लस का ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे ए 11, आई थिंक ये आपको विजिबल है, ए 11 आपको क्या आ जाएगा 22। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें,
थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको फिलअप ही दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट टर्म दे दी, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म दे दी, थर्ड टर्म दे दी, आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, राइट। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ओके मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है थर्ड का, फर्स्ट टू देन ब्रैकेट सॉरी फिलअप नेक्स्ट इज 26, राइट। यस, दो तरीके से बताती हूँ। फर्स्ट क्या है, इसको आप क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, टू बी 26, राइट। एपी सीरीज में क्या होता है, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो जो डी माइनस टू है, डी माइनस टू, उसका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा 26 माइनस बी के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आना चाहिए। अगर ये एपी सीरीज है तो सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से जो अगर सब्ट्रैक्शन करती हूँ वो हमेशा इक्वल आएगा थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म से जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा, राइट। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, इस डी को इधर ले आइए, माइनस टू इधर ले आइए, प्लस टू हो जाएगा, तो टू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28, तो डी की वैल्यू क्या है, 40। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, राइट। सेकेंड मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट है, सेकंड मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए, टू फिलअप एंड 26, राइट। आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे टू है, ये क्या है आपका ए वन, ये ए टू, और ये क्या है आपका ए थ्री। आपको ए थ्री की वैल्यू क्या दे रखी है, 26। तो ए थ्री का जो फॉर्मूला है, ए थ्री का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो अगर मैं एन की जगह थ्री पुट कर देती हूँ तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन, मतलब थ्री माइनस वन टू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए थ्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 26, राइट। और ए की वैल्यू आपके क्या है, टू है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, टू प्लस टू डी इज इक्वल टू 26। इस टू को आप इधर लेके आइएगा, टू डी क्या आ जाएगा, 26 माइनस टू, टू डी क्या आ जाएगा आपका 24। जब टू को इधर लेके सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 14। अब तो बहुत ईजी है, अब क्या कीजिए कि a2 निकालना है ना, a2 क्या आएगा, a1 प्लस डी, राइट। a1 मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या है, 2, और d की वैल्यू क्या है आपकी, 12, देन 12 प्लस 2 आपका क्या आ जाएगा, 14। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 14। ठीक है, चाहे आप इस मेथड से कर लो, चाहे आप इस मेथड से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सेम है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसी का ही सेकंड पार्ट है, आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, दिस वन इज थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, ओके। सेकंड पार्ट देखिए, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म आपको गिवन, ओके। देखिए, ये कौन सी है फर्स्ट टर्म, ये कौन सी है सेकंड, मतलब a2, a2 आपको क्या गिवन है, 13,
ओके, A3 फाइंड आउट करनी है और A4 आपको क्या गिवन है? 3। यस, ओके। A2 और A4 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है An का? A+N-1 × D। वही फॉर्मूला आप सेम ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2। तो a2 क्या आ जाएगा? a+n मतलब 2, 2 − 1 × D, दैट इज a+n − 1, 1। तो सिंपली आप कह सकते हो कि a2 क्या आ जाएगा? a+d। तो आप a2 की जगह क्या पुट कर सकते हो? a+d। a+b क्या आ जाएगा आपका? 30। सिमिलरली ये क्या आएगा? a+n − 1 मतलब a+4 − 1, 3d = 3। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। ओके, अब आप क्या कीजिएगा? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? a+d में से माइनस क्या करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज a+3d, राइट। और राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे? 13। 13 में से क्या माइनस करना है? 3। 13 − 3, राइट। अब आप क्या कीजिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सिंबल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है, कुछ भी नहीं दिया होता तो क्या होता है? प्लस ही होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। और ये भी प्लस का है तो ये भी सिंबल क्या हो जाएगा? माइनस। 13 में से 3 गया, क्या आ जाएगा? 10। अब प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या रह गया? d − 3d = 10। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 ही है ना, ठीक है। देखिए, एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आई होप ऐसे आपको ये पता होगा, बट मैं सभी स्टूडेंट्स को लेके चल रही हूँ ना, हो सकता है कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर ना हो, तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सोच रही हूँ। ओके, तो एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस तो हमेशा माइनस होता है, और आगे साइन किसका लगता है? जो बड़ा होता है। तो 1 − 3 = 2, और साइन क्या लग जाएगा? माइनस। −2d = 10। अब आप इस −2 को नीचे लेके आइए तो क्या आ जाएगा? 10 / −2, दैट इज −5। −5 आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में पुट करके आप ए की वैल्यू को क्या कीजिए? फाइंड आउट कीजिए। तो a+d गिवन है आपको 13, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू क्या है? −5 = 30, राइट। आपने किया होगा ये कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। तो वही वैल्यूज वही रूल है वो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। प्लस माइनस माइनस 5 = 13। ये माइनस इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस में। और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 18। अब आपके पास ए भी है डी भी है, अब आप क्या कीजिएगा? फर्स्ट टर्म तो आपके क्या आएगी? फर्स्ट टर्म तो क्या आ जाएगी? 18। फिर नेक्स्ट टर्म क्या दे रखी है? 30। मतलब हमने नेक्स्ट टर्म में क्या कर रखा है? माइनस किया है 5। फिर उसमें नेक्स्ट उससे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? दोबारा −5 कर दीजिए, दैट इज 8। नेक्स्ट में हमने दोबारा 5 को माइनस किया है तो क्या आ जाएगा? 3। तो आपकी ये क्या हो जाएगी? सीरीज आ जाएगी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। ओके, नेक्स्ट आप थर्ड पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? आपको फर्स्ट वैल्यू दे रखी है, सेकंड और थर्ड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और फोर्थ क्या है? 9:1/2। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, उसके बाद आप खुद सॉल्व कीजिएगा। डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके डाउट को जरूर लूंगी। ओके स्टूडेंट्स,
में क्या है, सीरीज क्या है आपकी, 5। सेकेंड और थर्ड टर्म आपको फाइंड करनी है, ये है 9:1/2। 9:1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं बताइए, कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 × 2 डेट इज 18, और उसमें ये प्लस 1 है, प्लस कर दीजिएगा, तो जो आपका न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाली टर्म है वो तो क्या आएगी, 18 + 1 = 19, और जो नीचे है वो आपका यही 2 आ जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ओके। अगर फिर भी अभी भी समझ नहीं आया तो आप दोबारा रिवर्स करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब क्या आएगा, 5, तो इसको मैं 19/2 लिख सकती हूँ, यस, इसको मैं 19/2 लिख सकती हूँ। अब आपको ए दे रखा है 5, ए 4 क्या है आपको 9/2, यहाँ पे क्या है ए प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। यहाँ पे आप ए पुट कर दीजिएगा, ए से आपको क्या आएगी डी की वैल्यू, ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, फिर आप जब पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपके डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए भी पता चल जाएगा, डी भी पता चल जाएगा, तो आप फर्दर टर्म्स को फाइंड आउट कर लेना। आई होप आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो, ट्राई जरूर करना, ओके। ऐसे मत सोचना कि नहीं हो पाएगा, जरूर हो पाएगा, अगर ट्राई करोगे तो बिल्कुल हो पाएगा, ओके, ट्राई जरूर करना, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन का मैं लास्ट पार्ट ले रही हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। आपको क्या दे रखा है, ब्लैंक 38, देन अगेन ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, देन -22, राइट, यस। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब आपको इस 2 क्या दे रखा है 38, और आपको जो सिक्स टर्म है वो क्या दे रखी है -22, राइट। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू क्या है 2, तो ए प्लस 2 - 1 इंटू डी दैट इज ए प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ए प्लस डी, तो यहाँ क्या आएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। सेम इसी कॉन्सेप्ट से मैंने इसको भी सॉल्व किया है, ओके। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। फिर आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दीजिएगा सेकेंड इक्वेशन को। कैसे होगा, ए प्लस बी, ये गलती मत करना कि लेफ्ट और राइट को मिक्स कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, ओके। तो देखिए लेफ्ट क्या है ए प्लस डी, इसमें से माइनस करते हैं ए प्लस 5d, फिर राइट ले लीजिएगा, राइट क्या है आपका 38, इसमें से माइनस कीजिए -22। प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान रखना, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना प्लीज, ओके। ए प्लस डी, अब देखिए बाहर माइनस है तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस ए माइनस 5d, ओके। और यहाँ क्या आ जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस 22, राइट। अब क्या कीजिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस का ए माइनस के ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डी माइनस 5d, प्लस का 1d माइनस का 5d, क्या होगा बताइए, बोलिए क्या होगा, -4d, क्या होगा, -4d, और यहाँ पे क्या आएगा
इसको प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60। अब आप इस माइनस फोर को यहाँ लेके आइए तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिवाइड बाई -4, ये कैंसिल होने के बाद आपकी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -50। आई होप इतना आपको समझ आ गया है। अब हम फर्दर यहाँ करते हैं, डी की वैल्यू आ गई। अब आप क्या कीजिए, इस डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। ए की जगह ए तो मुझे फाइंड ही करना है, और डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -15 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस 15 इज इक्वल टू 38। ए माइनस 15 इज इक्वल टू 38, ये माइनस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 38 प्लस 15, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53। हाँ जी, तो अब आपका क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म निकल गई और क्या निकल गई, डी निकल गया, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो देखिए, फर्स्ट टर्म तो आपका निकल ही गया, फर्स्ट टर्म तो आपका निकल ही गया। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, A1 तो क्या निकल गया, 53, राइट। अब हमें क्या निकालना है, A3। तो A3 कैसे निकालिएगा, A3 इज इक्वल टू, ए थ्री कैसे निकलेगा, ए थ्री क्या आएगा, ए प्लस 2D आएगा, ए प्लस 2D आएगा। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, 53। तो 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या है, -15, राइट। तो अब आप क्या कीजिएगा, 53 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 टू 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23, क्या आ जाएगी, 23। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको क्या निकालना है, A1 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, ऐसे ही आप A4 निकाल लीजिएगा और A5 निकाल लीजिएगा। ये मैंने आपके लिए खुद के लिए छोड़ दिया, ओके ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे करवा देती हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन। आपकी सीरीज क्या है, 3, 8, 13, 18, सो ऑन। क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी इज, कहता है इस सीरीज की कौन सी टर्म आगे जाके 78 आएगी। अब इसने यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि 78 टर्म क्या है, उसने क्या पूछा है कि इस सीरीज में कौन से नंबर की टर्म ऐसी होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, 78। इन शॉर्ट मैं आपको ये भी कह सकती हूँ, यहाँ पे आपको an की वैल्यू क्या दे दी, 78। An की वैल्यू क्या दे दी आपको, 78। तो यहाँ पे आपका जो A है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 3। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, 3। B की वैल्यू क्या है आपकी, D की वैल्यू है 8 - 3, दैट इज 5। ओके, फिर आप क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एक An इज इक्वल टू 78 है ना, तो ए की वैल्यू क्या, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 78। इसको सॉल्व कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या है, 3 प्लस एन माइनस वन, एन तो मुझे फाइंड करना है, और डी की वैल्यू क्या है आपकी, 5 इज इक्वल टू 78। ये 3 को आप इधर ले जाइएगा, ले जाइए, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 78, में से 3 माइनस की हुआ तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या आएगा,
5n-5 = 75, 5n-5 = 75। ये -5 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, 5n 75 + 5, तो 5n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 80। 5n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 80। अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है, तो ये इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, n क्या आएगा, 80/5, डेट इज n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। मतलब 16th नंबर टर्म की वैल्यू 78 है, a16 इज इक्वल टू 78। ओके, देन आई थिंक आज के लिए इतना बहुत होगा। ओके, आप इस सारे क्वेश्चन को, इस पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको, उन सबको अच्छे से रिवाइज करवा कर लीजिएगा। एक बार अच्छे से खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।